हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी श्रग लेकर आई हूँ। डिज़ाइन बहुत ही औसम है, बहुत जल्दी बन जाता है। मैं पहनकर भी आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने वाइट कलर की बनाई है, बहुत ही खूबसूरत है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। मैंने थोड़ी शॉर्ट में बनाई है क्योंकि मैंने ज़्यादातर श्रग बनाई है वो लॉन्ग बनाई है, तो ये वाली श्रग मैंने थोड़ी शॉर्ट बनाई है। आप चाहें तो इसको लॉन्ग में भी बना सकते हैं, कितनी भी लॉन्ग कर सकते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत अच्छी लगती है, क्रोशा से बनाई है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसमें आपकी ऊन जो लगेगी समथिंग 300 ग्राम लग जाएगी, ठीक है। थोड़ी लॉन्ग बनेगी मेरी जो श्रग है, इसमें 250 ग्राम ऊन लगी है। तो साइज़ में बता दूं आपको, ये 34 वालों तक के आराम से आने वाला है। इससे बड़ा साइज बनाना है तो आगे हम वीडियो में बता देंगे या कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पार्ट वन में हमने इतना बनाना बता दिया था। पार्ट वन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो पिन कर रखा है, पहला कॉमेंट पिन किया हुआ है ना, वो पार्ट वन है, जाके देखें। पार्ट वन में हमने इतना बनाना बता दिया था। अब हम पार्ट टू में आगे का वर्क बताएंगे। तो सबसे पहले हम मुड्ढे ज्वाइन करेंगे, इतना आप पार्ट वन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मुड्ढे कैसे ज्वाइन करने हैं, देखिए हमने चार बार ये डिज़ाइन बनाई है। जो पफ वाला डिज़ाइन बना रहे थे वो चार बार डिज़ाइन बनाने के बाद हम देखिए कॉर्नर तक लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाली चेन में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर अब देखिए दोनों फंदे निकालेंगे लास्ट वाले में, फिर डालकर फिर एक बार निकालेंगे। इसकी जगह आप तीन चेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो तीन चेन बना के स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो बना लिया, अब यहाँ पर हम पफ वाले डिज़ाइन के बाद वाली रो बना रहे हैं हम। जब आप पार्ट वन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन, तीन चेन लेके यहाँ एक डबल क्रोशिया बनेगी, एक चेन लेकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनेगी, ठीक है। जब आप पार्ट वन देखेंगे तो आपको डिज़ाइन समझ आ जाएगा, उसके बाद आप आराम से बना सकते हैं। फिर तीन चेन लेके यहाँ पर पफ है ना, इसके पास में एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें यहाँ पर इस तरीके से। फिर एक चेन लेनी है और एक यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर तीन चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और एक यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें कॉर्नर तक लेकर जाना है, जो कॉर्नर बनाया है ना वहाँ तक ऐसे ही बनाते हुए लेकर जाना है। फिर हम आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। ये देखिए हम कॉर्नर तक बनाते हुए लेकर आ गए हैं, यहाँ से बनाते हुए कॉर्नर तक आ गए हैं। ये कॉर्नर है हमारा, तो कॉर्नर से पहले हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया था। कॉर्नर को छोड़ेंगे, अब दूसरा कॉर्नर पकड़ेंगे। देखिए ये हमारा कॉर्नर है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरे वाले कॉर्नर पर जाएंगे, सबसे पहले तीन चेन बनाएंगे, इस कॉर्नर को छोड़ देंगे, दूसरा वाला कॉर्नर पकड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, ठीक है। एक वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर छोड़ के इसके पास में जो आपको पफ दिख रहा है ना, उससे पहले हमें एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनानी है। इसको छोड़ना है, यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मुड्ढे ज्वाइन हो जाएंगे, फिर एक चेन लेके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनेगी। इस तरीके से हमने मुड्ढे ज्वाइन किए हैं, देखिए, ठीक है। इस तरीके से ज्वाइन करना है मुड्ढे। अब फिर से वही डिज़ाइन करना है, तीन चेन बनाएंगे, बाद में हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अगर हमें ज़्यादा मुड्ढे खुले रखेंगे पूरा श्रग बनाने के बाद, हम उसमें सिलाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फिर से तीन चेन बना के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनेगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, जब तक आप पार्ट वन नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो एक बार पार्ट वन देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है यहाँ पर। अब एक चेन लेके यहाँ, तो इस तरीके से हम अपना तीसरे कॉर्नर तक ऐसे बनाते हुए लेकर आएंगे। तीसरे कॉर्नर तक ऐसे ही बनाते हुए लेकर आएंगे, फिर हम इस साइड यहाँ तक लाएंगे, देखिए। फिर हम ऐसे ही मुड्ढे दूसरी साइड भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ तक हम आ गए हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ से तीन चेन ले ली हमने और दूसरा कॉर्नर पकड़ेंगे अपना लास्ट वाला, ये देखिए सब छोड़ देंगे, और इसके पास में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये देखिए इस रो को हम ऐसे ही बना लेंगे। देखिए मुड्ढे ज्वाइन हो गए हैं। पूरी रो बना के फिर हम आगे आपको समझाएंगे आगे क्या करना है। इसको हम ऐसे ही बनाते हुए पूरा करेंगे, फिर आगे आपको समझाएंगे। देखिए हमने दोनों मुड्ढे ज्वाइन कर लिए हैं। अब पार्ट वन में जैसे हमने डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही अब हमें डिज़ाइन इसको बनाना है। बस कॉर्नर हमारा बंद हो जाएंगे, कॉर्नर हमारे बंद हो गए हैं, डिज़ाइन सेम बनेगी। ठीक है, तो चार रो की जो डिज़ाइन है वैसे ही बनेगी। यहाँ से यहाँ तक लाना है, फिर इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, जैसे हमने चार रो की डिज़ाइन बनाई है वैसे ही सेम हमें बनानी है। तो जितनी भी आपको इसकी लेंथ रखनी है उतनी बना लें। फिलहाल तो हमने चार बार ये डिज़ाइन बना चुके हैं, तीन बार और डिज़ाइन बना लेंगे। जब सात बार हो जाएगी डिज़ाइन फिर हम आगे दूसरा डिज़ाइन डालेंगे। ठीक है, तो श्रग का लुक देने के लिए हम दूसरा डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए हम पहली रो आपको बना के दिखा दे रहे हैं मुड्ढे ज्वाइन करने के बाद, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर हमने पहले इस तरीके से हम फंदा बना रहे हैं, वैसे बनाएंगे। आप इसकी जगह तीन चेन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनेगा हमारा। जो तीन चेन बनाई थी हमने वहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनेंगे हमारे। देखिए तीन चेन है, यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनेंगे, एक दो और ये तीन। ठीक है, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनेगी हमारी, इसके ऊपर एक यहाँ बनेगा एक यहाँ। ठीक है, तीन इसके अंदर बनाएंगे हम। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। जहाँ तीन चेन ली थी हमने वहाँ तीन बनाना है, उसके बाद एक डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पहली रो हमारी डबल क्रोशिया की आएगी, तीन इसमें बनेगी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, फिर तीन इसमें एक यहाँ पर बनेगी, एक यहाँ एक यहाँ, फिर तीन इसमें, ऐसे ही पूरी रो हम बनाएंगे। ठीक है, पूरी रो बनाने के बाद इसकी अगली रो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की बन जाएगी, उसके बाद हमारा पफ वाला डिज़ाइन बनेगा, जाली वाला डिज़ाइन बनेगा। चार रो का डिज़ाइन है, तो हमने यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार ये डिज़ाइन बना लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर पफ के बाद हमने ये जाली वाला डिज़ाइन बना लिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम दूसरा डिज़ाइन डालेंगे, श्रग का लुक देने के लिए दूसरा डिज़ाइन डालेंगे। तो कैसे डालना है देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक दो तीन, तीन चेन बना के सेम इसी जगह हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। चेन को काउंट किया तो ये दो डबल क्रोशिया हो गई। ठीक है, अब दो डबल क्रोशिया के बाद दो चेन वापस इसी जगह डालेंगे और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक चेन लेकर एक जाली छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डालेंगे, इसमें डालेंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो, ये दो डबल क्रोशिया के बाद हम दो चेन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो। ठीक है, इस तरीके से फिर हम एक चेन बनाएंगे, एक जाली छोड़नी है और एक चेन लेकर इसको छोड़ेंगे, इसमें बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, एक दो, दो डबल क्रोशिया के बाद दो चेन और फिर दो बनाएंगे। जाली छोड़ेंगे और इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो एक एक चेन लेते जाना है और एक एक जाली छोड़कर ऐसा डिज़ाइन हमें बनाते जाना है। ये देखिए दो चेन लेके फिर दो डबल क्रोशिया। ठीक है, एक दो, तो ऐसे ही हम पूरी रो बनाएंगे। और इसके बाद हम ऐसी ही दो रो और बना लेंगे, टोटल तीन रो हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसके अगली रो में क्या करना है, जो भी डिज़ाइन है डिज़ाइन के ऊपर बनाना है, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके फिर इसके अगले डिज़ाइन के ऊपर बनाना है। ठीक है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब एक चेन लेके एक जाली छोड़ रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे।
अब इसकी अगली रो जो आएगी, जो डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा, तो हम टोटल देखिए इसके अंदर बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके यहाँ बनाएंगे सेम तरीके से, दो डबल क्रोशिया फिर एक चेन लेके यहाँ बनाएंगे, ऐसे ही हम तीन रो बना लेंगे। तीन रो के बाद फिर हम तीन डबल क्रोशिया कर देंगे। तो हम तीन रो बनाने के बाद आगे आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पर हमने तीन रो बना ली है, देखिए ठीक है, एक दो तीन। अब अगली रो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ तीन रो बनाने के बाद देखिए अब क्या करेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद इसके अंदर बीच में डालेंगे और यहाँ बनाएंगे, इसके अंदर डाल के बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, ठीक है, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया के बाद हमें दो चेन बनानी है, एक दो, वापस इसके अंदर तीन बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ठीक है। फिर एक चेन बनाएंगे हम, एक चेन ले रहे हैं आप, इसकी जगह दो चेन भी ले सकते हैं, एक या दो चेन ही लें, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं आप। उसके बाद हम अगली डिज़ाइन में आ जाएंगे, इसमें बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, ये तीन डबल क्रोशिया के बाद फिर दो चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया, ठीक है, ये तीन डबल क्रोशिया के बाद दो चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया। तो बस ऐसे ही डिज़ाइन को हमें बढ़ाना है। अब इस तीन डबल क्रोशिया के हम चार रो बना लेंगे या फिर पांच रो बना लें आप। उसके बाद अगर आप और फंदे बढ़ाना चाहते हैं तो इसी तरीके से चार पांच रो बनानी है एक सी। इसके बाद आप चार डबल क्रोशिया की चार रो बना लें, उसके बाद पांच डबल क्रोशिया की पांच रो बना लें, इस तरीके से आपको जितना भी लॉन्ग रखना है उस हिसाब से बना सकते हैं। तो फिलहाल तो हम चार रो इसकी बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया की, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। तो अभी हमारी पहली रो चल रही है, हम चार रो और बना लें फिर आपको दिखाते हैं। टोटल हमने सात रो बना ली हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल सात रो बनाई हैं। ये देखिए एक दो तीन रो हमने बनाई थी पहले, फिर उसके बाद एक दो तीन चार रो हमने तीन डबल क्रोशिया वाली बना ली। अब इसको हम ऊपर के साइड ले जाएंगे, देखिए तीन डबल क्रोशिया, दो चैन और तीन डबल क्रोशिया की बना ली। अब इस डिज़ाइन को हमें ऊपर के साइड ले जाना है, गले तक लेके आना है। तो कैसे लेकर आना है देखिए, तो इसी डिज़ाइन को हम ऊपर तक लेकर आएंगे, ठीक है। तो कैसे लेकर आएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले तीन चेन बना के इसके अंदर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, चेन को काउंट किया तो ये दो हो गई और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया के बाद दो चेन और फिर तीन बनाएंगे। अब एक जाली छोड़ेंगे सेकंड वाले में बनाएंगे, तो एक चेन लेकर और एक जाली को छोड़ना है सेकंड वाले में बनाएंगे। एक चेन लेकर एक जाली छोड़ेंगे इसमें बनाएंगे। ठीक है, फिर एक जाली छोड़ेंगे इसमें बनाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए हमें ऊपर तक लेकर जाना है। ये देखिए तीन डबल क्रोशिया बनानी है पहले, फिर दो चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर एक दो जाली छोड़ेंगे, जब ऊपर के साइड हमारी जो डिज़ाइन है वो
पफ वाला डिज़ाइन है, तो वो छोटी वहाँ पर हम दो जाली छोड़ के बनाएंगे, ठीक है। ये दो जाली छोड़ के तीसरे में बना रहे हैं। ये दो जाली छोड़ेंगे फिर तीसरे में बनाएंगे। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए नीचे की साइड हमारी डिज़ाइन दूसरी है, ऊपर की साइड दूसरी है, तो ऊपर की साइड हमें दो जाली छोड़कर एक दो छोड़ेंगे तीसरे में बनाएंगे, फिर दो जाली छोड़ के तीसरे में बनाएंगे, फिर दो जाली छोड़ के तीसरे में बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए ऊपर तक आना है गले तक। फिर गले पर हम कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। अब गले पर देखिए हम क्या करेंगे, तो गले पर हम देखिए दो फंदे, चार फंदे, छः और आठ, आठ फंदे छोड़ के यहाँ बनाएंगे, दो चार छः आठ, आठ फंदे छोड़ेंगे और सबसे पहले बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया। दो चेन लेके फिर से तीन बनाएंगे। फिर दो चार छः आठ, आठ फंदे छोड़ेंगे हम यहाँ पर। देखिए पहले एक चेन ले ली और यहाँ पर हम दो चार छः आठ, यहाँ पर आठ फंदे छोड़ के यहाँ बनाएंगे। आठ फंदे क्यों छोड़ रहे हैं, देखिए पहले हम तीन डबल क्रोशिया बना रहे हैं, फिर दो चेन लेके फिर तीन डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है आठ फंदे हो जा रहे हैं, इसलिए हम आठ फंदे छोड़ रहे हैं। देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाई है, अब दो बनाएंगे चेन तो पाँच हो गए, फिर तीन बनाएंगे तो आठ हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें आठ फंदे छोड़ के ये वाला डिज़ाइन बनाना है। ज़्यादा हम पास पास में बना देंगे तो झोल आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमें गले पर पूरा बनाना है। गले पर बनाते हुए नीचे तक उतार के लाना है। नीचे से जैसे हमने सिखाया था वैसे ही आप बनाएं, और पूरा बनाने के बाद आप ऊन को कट करके नीचे के साइड ऊन को बांध दें, तो आपका एक श्रग तैयार हो जाएगा। नीचे के साइड भी ऐसे बनाना है, ठीक है, जैसे हमने सिखाया था। फिर नीचे के साइड जितनी भी ये डिज़ाइन है सब में हमें ऊन को कट करके बांध देना है। चार चार पाँच पाँच धागे ले लें एक बराबर। हमने अपने हमारे चैनल को सर्च करें ऑल होम टिप्स श्रग, तो बहुत सारे हमने श्रग डाल रखे हैं, उसमें हमने ऊन को कट करके बांधना बताया है, तो उसमें भी देख के आप बांध सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। आगे आप लोग क्या देखना चाहते हैं कॉमेंट करें। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।